एक जगह गए थे तो वहाँ पे पुलिस अधिकारी थे, उनको सबने कहा कि अरे बहुत अच्छा गाते, इनका गाना होना चाहिए। तो अरे नहीं, फिर लोग बताए तो क्या आप गाते नहीं है क्या? बोला अरे गाता कौन नहीं, सवाल बहुत तीखा है, गाता कौन नहीं। ये हक सबको सिवाय जानवरों के। तो अगर आप जानवर नहीं है तो गाइए। लेकिन गाना सब सुनते हैं, गाते सब हैं, कोई छिप के गाता है। और जब जब संगीत कम होता है समाज में, शोर ज्यादा होता है, तो वहां पे बहुत सारी दिक्कतें पैदा होती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है जो बाहर से हील करती हैं, हम लोग उसको दवाई समझते हैं। वो औषधि है जो बाहर से हम लेते हैं, टैबलेट के रूप में, इंजेक्शन के रूप में, ड्रिप के रूप में, कुछ खाने में घोट के मिला के। लेकिन हम अपने इनर हेल्थ के लिए अंदर से कैसे स्वस्थ हों, इसकी भी बहुत परवाह नहीं करते। और जब भी कोई अस्वस्थता होती है तो हम परेशान हो जाते हैं कि बुखार तो उतर गया है, खांसी भी नहीं है, लेकिन नहीं अंदर से अच्छा महसूस कर रहे हैं। ये इनर हेल्थ की बात है। और इनर हेल्थ खराब होने से ना केवल शरीर खराब होता है बल्कि मन भी खराब होता है, और पूरी की पूरी समाज व्यवस्था खराब होती है। उठा लीजिए आज का पेपर, हमारे यहाँ अमर उजाला आता होगा, आपके यहाँ भी कोई कोई आता है, आजकल वैसे पढ़ता ही कौन है, फिर भी पेपर उठाएंगे तो ऊपर से मार जितनी ऐसी घटनाएं लिखी होंगी जिसको आप पढ़ना नहीं चाहते, डर के मारे पर पढ़ते हैं। ये सब भी हो रहा है समाज में, ऐसा भी हो रहा है क्या? आदमी इतना घटिया हो गया, गिर गया है। आप अखबार उठा करके ये पढ़ना नहीं चाहते हुए आपको पढ़ना पड़ता है। आज भी सुबह अखबार का हेडलाइन ही इससे लगा हुआ है कि मासूमों की हत्या, उस पर बहुत सारे मासूमों के, इन मासूमों से किसी को क्या दुश्मनी थी जो किसी ने। तो यही पर से शुरुआत होती है हमारे दिन की आजकल। तो क्या ये अच्छी बात है? नहीं है, क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं तो पहले मनुष्यता की बात तो उसमें होती ही नहीं है, दरिंदगी की बात होती है, हत्या की बात होती है, क्रूरता की बात होती है। ये सारी बातें हम लोगों को मनुष्यता से दूर करती चली जाती है। इसके लिए कारण क्या है, कारक क्या है? एक ही है, वो शक्तियां जो हमारे अंदर कुछ अच्छा करने के लिए, अच्छा सोचने के लिए प्रेरित करती है, वो कमजोर होती है। गेम ऐसा नहीं था कि हमारे समय में गेम नहीं हुआ करता था, हमारे समय में तो वीडियो गेम के अलग से डिवाइस ही आते, हमारे समय में नहीं, हमारे और बाद में, हम लोग तो कुछ और चीजों से खेलते थे। लेकिन जब से ये वीडियोज और ये सब आ गया तो वो गेम के लिए भी छोटे छोटे बहुत सारे डिवाइस आ गए थे 25-30 साल पहले, 30 साल पहले। लेकिन उसमें इतनी हिंसा नहीं थी जो आज है। आज के सारे गेम, अगर आप कार चला रहे तो दूसरों को धकिया करके फेंक देने में, अगर उस पर तलवार बंदूक चला रहे तो पूछिए ही मत, इसका नाम भी लेना उचित नहीं है। ऐसा करते करते हम लोगों ने ना केवल अपने समाज व्यवस्था को, बच्चों के कोमल मन को, उनके अंदर की कोमल मनोभावों को हम लोगों ने बढ़ने का मौका ही नहीं दिया। हम उसे हिंसा, नमस्ते, आपसे रिलेटेड टॉपिक था, आपका आना बहुत ही सुखद है। बच्चों के मन में हम लोग किस प्रकार से हिंसा डालते चले जा रहे हैं आज के जमाने में, क्योंकि बच्चों को पसंद वैसे कैसे हो वो बातें आ रही समझ में नहीं आता। अगर आप उनके सामने एक अच्छा सा
सॉफ्ट सा कोमल से मनोभाव का कोई गेम लगा देते हैं या कुछ चीजें पढ़ने के लिए दे देते हैं, वो उनको देखता नहीं है, वो देखता है क्रूएलिटी वाले का ही देखता है जो नहीं देखना चाहिए। लेकिन उसके मन में ये प्रवृत्ति आती कैसे है? तो मनुष्य तो हमेशा ही दो प्रकार की वृत्तियों से बनाई है। एक बहुत छोटी सी बात कही गई कभी कि मनुष्य क्या है, इंसान क्या है, बोले भगवान और शैतान का फ्यूजन, दोनों को मिला दीजिए तो जो आता है प्रोडक्ट वो है इंसान। मतलब कहने का है तो उसके अंदर कोई भी चीज के लिए दो प्रकार की वृत्ति या प्रवृत्ति आती है। आप उसमें से कौन सी वृत्ति रखेंगे और दूसरे को निवृत्त कर देंगे ये होना चाहिए। हम अपने अंदर के शैतान को दबा सकते हैं, गायब तो नहीं कर सकते, होगा तो सबके ही पास, लेकिन कहीं से क्या हम उनको बढ़ने का मौका दे रहे हैं? और अगर ये दे रहे हैं तो इसकी दवाई क्या है? खांसी की दवाई तो होती है, बुखार की दवाई होती है, इसकी क्या दवाई कि हम अपने प्रवृत्ति को निवृत्त करें, उन प्रवृत्तियों को जो शैतानी प्रवृत्ति। आप देख लीजिए किसी भी धर्म में उठा के देख लीजिए, धर्म में दो तरफ के भाव हमेशा रहते हैं, एक उसमें से असुर होता है और एक सुर होता है, एक देवता होता है और एक दानव होता है। तो ऐसा कौन सी कथा है जिसमें एक विलेन ना हो? एक ऐसी आप कहानी कब लिखते हैं जिसमें शुरू से लेकर अंत तक केवल मनोभाव प्रेम का हो? ऐसा नहीं है। लेकिन जब भी कोई कथा आती है उसमें हमेशा दुष्ट को दलन करते हुए अच्छे को बढ़ावा दिया जाता है। तो ये अच्छे को बढ़ावा देने वाली बात हमारे अंदर कब से कमजोर होने लगी कि हमारे न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस जो है इन्हीं चीज़ों से भर जा रही है। मुख्य पृष्ठ तो पढ़ने लायक नहीं होता है, हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम डरे हुए होते हैं। हमें लगता है कि वो भी एक बच्चा है, मेरे पास भी एक बच्चा है, उसकी वो भी एक बूढ़ा आदमी था, उसकी उम्र कितनी थी भाई मालूम चला, वही 59-60 का था, ओहो मैं भी तो 59-60 का हो रहा हूँ। तो वो डर है अंदर से। तो आसपास की घटित होने वाली घटनाओं को आप इसलिए जानना चाहते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये पढ़ना, ना तो आपको अंदर से वो महसूस होता है कि आपको ये पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ते आप हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि आप अपने अंदर के डर को एक दिशा देना चाहते हैं इसलिए। तो ये जो प्रभाव, जो प्रवृत्ति हमारे अंदर जो है, उसमें से एक जो अच्छी प्रवृत्ति है उसके लिए कुछ चीजें हमारे यहाँ सोचा गया। आप कोई योग करते हैं, अच्छी जगह जाते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, घूमना फिरना लोगों का काफी कम हो गया। अगर आप जाते भी हैं तो ताजमहल कम देखते हैं, अपने मोबाइल से चित्र ज्यादा देखते हैं। कितना चित्र आखिरकार डिलीट करने में उतना ही वक्त लगता है जितना चित्र खींचने में, दोनों ही आजकल बराबर का समय लेता है। पहले होता था कि आप कविता लिखने में 1 घंटा लगाते थे, फाड़ कर फेंकने में आप 5 मिनट लगता था, लेकिन अब तो ऐसा नहीं है, सब कुछ मिनटों में बनता है और मिनटों में खत्म भी हो जाता है, बल्कि सेकेंड में। तो क्षण भंगुरता होना अच्छी बात है आजकल, ये जरूर बहुत अच्छी बात हमारे यंग जनरेशन में आ गया है कि वे बहुत माया मोह में नहीं पड़ते। उनके सामने कोई भी चीज दी जाती है तो वो उसको इतना सीने से लगा के नहीं रखते हैं कि ये खराब हो जाएगा, जैसे एक छोटे बचपन की गुड़िया है, किसी के पास छोटा सा बारबी डॉल है लड़की के पास, वो बड़ी हो जाती है ससुराल जाने को होती है, सोचती इसको ले जाए क्या ससुराल में, क्योंकि वो बचपन में खेलती थी। ये लगाव आजकल दिखता है आपको बच्चा? नहीं दिखता, क्योंकि हम लोगों ने मान लिया है कि जो कुछ भी यहाँ पे है वो रहेगा नहीं। और इसी ना रहने की अगर हम इसी पे कल्पना कर लिए, हर चीज को यही समझ लिए कि ये जो मम्मी पापा है ये कल को नहीं रहेगा, ये जो दादी दादा है ये निकल जाएंगे कल, ये जो दोस्त है ये कल को पता नहीं कहाँ रहेगा, तो हर चीज़ ऐसे ही बहुत ही हम लोग ने लाइटली कैजुअली लेते लेते हम यहाँ पहुँचा दिए हैं कि हम किसी भी चीज़ को गंभीरता से नहीं लेते। गाए गुरु जी तिलक कामोद गाए चाहे कामोद गाए से क्या फर्क पड़ता है, बड़ा मजा आएगा लेकिन भूल जाए, यही भूलते और बिसराते बिसराते हमारी समाज व्यवस्था ऐसे जगह पहुँच गई है जब हमें किसी को किसी की कोई परवाह नहीं। लगातार हम देखते हैं दो दोस्त लगातार क्लास में साथ आ रहे हैं, साथ में आ रहे हैं, साथ जा रहे हैं, 5 दिन 7 दिन लगातार देखा, महीना भर भी देखा,
फिर एक दिन देखे कि एक नहीं आया, अपने दूसरे से पूछा कि अरे भाई वो क्यों नहीं आया, तो पता थोड़ा आया तो तुम तो आते थे साथ ही, आया नहीं। उनका सुना है तो वो बीमार है, मुझे मालूम है, पढ़ा है, नजर आती है भाई, महीना भर तो उसको चिपका के घूम रहे थे साथ में, आज क्या हो गया अचानक। तो भावना इसी तरह बंद हो गई। अभी जो भावना है ये जगाया कैसे जाए, बच्चों ने जगाया कैसे जाए, तो जगाने के लिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब देख लीजिए धर्म में भी हम लोगों ने हमेशा जितनी कथाएं गढ़ी है किसी भी धर्म में, उसमें एक शैतान, एक पवन, एक आसुरी प्रवृत्ति है और एक दैवी प्रवृत्ति है। और हम लोग हर कथा में दैवी प्रवृत्ति को जिताते हैं, आसुरी प्रवृत्ति को खत्म करते हैं। ये खत्म करने की प्रवृत्ति दिखाई जाती है हर जगह पे, हर कथाओं में आती है। ये अंदर से अपने अंदर ये बात मजबूत होती चली जाती है कि हम आसुरी प्रवृत्ति को दबा देना है, हमको उसको खत्म करना है। लेकिन अब तो ऐसी बात रह नहीं गई। अगर हमें अपने भगवानों को भी अपने आप में चेंज करना शुरू कर दिया अपने हिसाब से, अब शिव के ध्यानस्थ अवस्था के शिव ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे शिव हमको पसंद नहीं आते, हमको त्रिशूल लेकर के लहराते हुए बाल खुले और दुष्टों को एकदम पकड़ के चबा जाए वाला रूप हमें पसंद आता है। हनुमान जी हमेशा पहले हम लोग जब भी देखते आप जाइए किसी भी मंदिर में, उसमें आपको हाथ जोड़े हुए घुटने पर, एक घुटना मुड़ा हुआ, दूसरा घुटना ऊपर की ओर और माथा झुका हुआ, हमेशा यही रूप आपको मिलेगा। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि वाष्पवारी, आंखों में पानी की हल्की सी धारा है, वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, ये सब हमारे अंदर हनुमान जी का बना। लेकिन आज हनुमान जी के आप कोई भी फोटो में देख लीजिए, उसमें सिक्स पैक नहीं बल्कि 12 पैक दिखाई देते हैं, कितने मसल्स दिखा दे रहे हैं उनको। ये मत देखिए कि वो शक्तिशाली थे, ये देखिए कि वो अपने शक्ति को कैसे अपने कंट्रोल में रखते थे। तो हमने ये नियंत्रण खो दिया। शक्ति होना अच्छी बात है, लेकिन शक्ति का ऐसा दुरुपयोग, और किसी भी भगवान को ले लीजिए, रामचंद्र जी को आप साधारण रूप में आप नहीं देखते, राजगद्दी पर बैठे हैं, सबके मर्यादा पुरुषोत्तम है, सबके पालन कर रहे हैं, ये रूप आपको पसंद नहीं है। मारा धनुष बाण उठा करके गला छेद दिए, यही दिखाई दे। सब भगवानों के रूप हमने बदल दिए। अब जो दुर्गा जी के भी रूप में आता है कि अति सौम्या है अति रुद्रा है, तो दोनों रूप के बीच में जो एक सामंजस्य बनाने की बात है, उसको भी हम लोग कमजोर कर जाते हैं। नाम लिया सौम्या है तो आप कर लिया, नाम लेते हैं। तो एक तरह से वो देवी का दो रूप है, हमने एक बंदिश बनाई थी, उसमें हमने इस बात की कल्पना की थी कि जो रुधिर है रक्त है उसका रंग लाल है, तो माँ के उसमें हमने लाल रक्त की कल्पना भी दिखाई कि हाँ इसमें अधर अलग दोनों रुधिर से कैसे वो हो गए। लेकिन उसके साथ एक लाल रंग का एक दूसरा भी है, ये वो अरुणिमा लालिमा है जो हम एक सूरज को सुबह उठते हुए देखते हैं तो एक लाली छा जाती है, वो भी एक लालिमा है। तो हम उस लालिमा में भी अपने इष्ट को दर्शन करते हैं और उसमें भी करते हैं। हमारे अंदर जो डर है उसके लिए हम लोगों ने अपने भगवान को बहुत मजबूत बना लिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम तो निपट नहीं पाएंगे उनसे, तो हमारे अंदर हमने अपने सहारे के लिए भगवान को भी वैसा बना दिया। ये मत समझिए कि भगवान वैसे हैं, ये हमारे अंदर का डर वैसा है जिसके चलते हमने ऐसे भगवान की कल्पना की है कि चलो कोई बात नहीं वो हमको बचा लेते। तो ये जो समाज में बचने बचाने वाली स्थिति पैदा हो गई है, इसके लिए क्या करना चाहिए? तो हमें लगता है कि कई सारे उपचार हो सकते हैं, जिसमें सबसे अच्छा सरल और बहुत ही साधारण सा है जो सर्व सुलभ है, जिसको कोई भी पा सकता है, संगीत। और इस संगीत में भी, लेकिन हम जिसे संगीत समझते हैं वो नहीं, आजकल तो संगीत ने भी हमने वही गालमेल कर दिया है जो हमने धर्म में किया, जो हमने अपनी मनुष्यता के साथ किया। संगीत के ज्यादातर स्वरूप आज जो है वो उग्र हो गए हैं, वो हमारे अंदर आसुरी प्रवृत्ति को बढ़ाने वाले हो गए हैं। आज आप सुबह बैठ करके अगर डालिया का गायन सुन रहे थे और कुछ देर के लिए भूल गए कि आप कहीं पर हैं, एकदम शांत होकर के
सब कुछ जैसे एकदम ठहरा हुआ, रुका हुआ, समय जैसे थमा हुआ। ये जो कुछ समय के लिए हम शांत हो जाते हैं, ये शांत जो है, ये शांति हमारे मन में आनी चाहिए। और ये हमारे अंदर आएंगे तो हम अपने बच्चों में दे पाएंगे, और बच्चों में दे पाएंगे तो आगे इसी तरह चलता रहेगा। हमारे अंदर गुस्सा आ सकता है, मनोवेग है, वे आ सकते हैं, लेकिन हमको शांति मूलतः होनी चाहिए। और ये संगीत ही है जो सर्वसुलभ रूप से हर एक को शांत कर सकता है। लेकिन अब बहुत मुश्किल यह है कि एक और समाज में वो चीजें हम लोगों ने फैला रखी है, इसके लिए किसी बच्चे को दोष देना तो बिल्कुल उचित नहीं है। उनका क्या कसूर, वो जो देखेंगे वैसे ही ना होंगे। हम ही लोगों ने ऐसा फैला रखा है, हमारी पीढ़ी ने, हमारी पुरानी पीढ़ी ने शायद ऐसा नहीं किया, जिससे कि हम लोग उतने अपना बचपन खोए नहीं। आज हमारा बचपन जो यहाँ आसपास हम देखते हैं वो बहुत दुखद स्थिति में। चल हो सके तो हम लोग के पास ये काम तो नहीं कि हम सबको कर सके, लेकिन अगर आप सब लोगों में से थोड़ी सी शांति, थोड़ा सा संगीत के प्रति प्रेम, सौहार्द, ये अगर हमारा आधार मजबूत हो रहा है, कोमल मनोभाव हमारे अंदर जिंदा रह रहे हैं, तो इतना हमारे लिए सफलता कही जाएगी। जो भी जहाँ पर है, बचे इन चीजों से। सबसे पहले आप बचिए संगीत के उस संस्करण से जो आपको उग्रता प्रदान करते हैं। उस उग्रता प्रदान करने वाले संगीत से बचिए, वो आपको अंदर से खोखला कर रहा है कहीं ना कहीं से। इसीलिए जो भी परेशान होता है वो उस प्रकार के संगीत को और ज्यादा सुनता है, बहुत फास्ट, लाउड, और जिसमें अंदर हर तरह की ऐसी प्रवृत्ति होती है, उन संगीत से हमको बचने बचाने की बेहद जरूरत है। हमारे संगीत में, राग संगीत में ये खूबी है कि वो उसको बड़े आराम से बचा सकती है। लेकिन हमारे राग संगीत में भी बुराई आ रही है। हम आजकल आप उठा के देख लीजिए, जहाँ भी आप कुछ कुछ बहुत सारे ऐसे कलाकार हो गए हैं जो भोर भरी थोड़ी बात जो है वो 300 BPM पर गा करके अपने आप को बहुत बड़ा गवैया समझ देते हैं। 2 मिनट के शॉर्ट्स आते हैं, 1 मिनट के भोर भरी थोड़ी बात, भोर की तो एकदम 12 बजा के छोड़ देते हैं। लेकिन हाँ, तैयारी उन्होंने की। हम ये नहीं कह रहे कि उनका काम तैयार नहीं है, उसमें हरकत नहीं है, बहुत मेहनत ना की हो, गलत जगह में उस पर ठहराव पर मेहनत करना, शांति पर मेहनत करना, जीवन में कहीं पर क्या अच्छा है उसको खोजने की जरूरत है। चलिए कोशिश करते हैं। राग तिलक कामत, ये राग मुझे बहुत बेहद पसंद था बचपन से। तो मैं थोड़ा सा ये उत्पाद जो है सर वो कम कर दो, नहीं उत्पाद तो बंद कर दो। क्या हुआ? नेटवर्क इशू, लाइव नहीं हो रहा है, खत्म। लाइव लिंक तो नहीं होता, तो क्या फायदा नहीं, तो और मैं तो किनारे चले गए पीछे, सब लोग तो बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा। उठ के बतिया रहे इतना देर से, तब से हम जान ले तुम अच्छे काम के लिए लगे हो, लेकिन दूसरों को दिक्कत हो रही, हटा दो नहीं तो दिक्कत नहीं, किनारे नहीं था उस कॉल में लगे जाए। कॉर्नर में लगा तो होता है, ठीक है, नहीं होता तो क्या कर सकते हैं। नेटवर्क पर हमारा कोई जोर नहीं है, आए आप पहले ही बोले टेस्ट करो, जब तक कमजोर नहीं है, अभी भी कम नहीं है। हाँ, डाटा से होता है तो करो, नहीं छोड़ो।